निर्भया केस में दोषी अक्षय की क्यूरेटिव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए यह साफ किया कि याचिका में क्यूरेटिव कोई केस नहीं बनता है, तो जिससे साफ तौर पर कोर्ट की नाराजगी भी यहां पर दिखाई दी है, क्योंकि लगातार अपने बचाव में एक के बाद एक पैंतरे जो है वो आजमाए जा रहे हैं, लेकिन इस आड़ में कोर्ट के समय की बर्बादी भी की जा रही है। और इसमें अब 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए कहा है कि क्यूरेटिव कोई केस नहीं बनता है। इस याचिका में देखिए, वो एक कदम और आगे पहुंच गया फांसी के फंदे तक, अब बस एक दया आज का बाकी है, वो भी कर ले, जितना जल्दी कर लेगा उतना जल्दी अच्छा है। बाकी आज यहाँ पे भी सुनवाई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कोर्ट जो भी करेगा सही करेगा, क्योंकि अब इनके पास अगर कुछ बचा है तो सिर्फ और सिर्फ फांसी डिले करने का बचा है, बाकी कोई इन्होंने जो भी टाइम मिला इनको सब खत्म कर दिए हैं, तो फाइनली इनको अब फांसी होनी चाहिए। मैं थका भी नहीं हूँ, निराश भी नहीं हूँ, हताश भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए हम मनुष्य हैं और 7 साल से हम कानून का ही फॉलो करते चले आए हैं, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। विश्वास है कि इनका यहाँ भी खारिज हो जाएगा, इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा, अंततः वहीं पहुँचेंगे जहाँ सब लोग चाह रहे हैं। देखिए, जो उनका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर हुआ था, डेफिनेटली हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे अब इनको कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, जैसे अक्षय की जो क्यूरेटिव डिसमिस हुई है उसके बाद सिर्फ एक जो राइट का वो क्लेम कर रहे हैं मर्सी में जाने का, वो भी आई थिंक उनको नहीं मिलना चाहिए, क्यूरेटिव डिसमिस हो चुका है। तो हम बहुत करीब हैं, इनको उम्मीद करती हूँ कि 1 फरवरी को ही फांसी दी जाएगी इन 4 कन्विक्टेड को। लेकिन अभी पटियाला हाउस कोर्ट में जो हियरिंग है कि मर्सी पिटीशन उसकी पेंडिंग है, तो इसका डेथ सेंटेंस का जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है उसको स्टे कर दिया जाए, लेकिन इसकी मर्सी पिटीशन पेंडिंग नहीं है। अभी इसने मर्सी फाइल की है, ये दोनों डिफरेंट कंडीशन है, तो कोर्ट से हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जब तक वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग नहीं है, तो क्यों ना 1 फरवरी को इनके डेथ सेंटेंस का एग्जीक्यूशन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट 5 जस्टिस ने उस याचिका को सुन के खारिज किया है, हम समझ सकते हैं, लेकिन हमारी जो ग्राउंड थी वो उन्हें नहीं पसंद आई। क्या कारण रहा, क्यों मिस कैरेज ऑफ जस्टिस आज भी हमारे साथ हो रहा है, हमें जजमेंट मिलेगा, हम उस जजमेंट को आगे देखेंगे कि हम क्या उस पर आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्या क्या उसमें कमी आ रही है, क्या क्या नहीं रखेंगे। जो हमारी सब ग्राउंड थी उन ग्राउंड्स को लिखा भी है कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी तो ग्राउंड सब होती हैं लेकिन ग्राउंड मेंशन नहीं की जाती, लिखी नहीं जाती, उनको तवज्जो नहीं दी जाती, वो विषय होता है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, हमारी सारी बातों को लिखा जाए। और अब ग्राफिक्स के जरिए एक नजर, अक्षय को सुप्रीम कोर्ट से किस तरह झटका लगा है। दोषी का क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज किया गया है, 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है अक्षय की सुप्रीम क्यूरेटिव पिटीशन पर। याचिका में क्यूरेटिव कोई केस नहीं बनता है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने यह साफ किया। याचिका में दी थी अलग दलील, जिसके बाद ये फैसला सुनाते हुए अक्षय को सुप्रीम झटका लगा, जन दबाव के चलते ही दी जा रही है फांसी। 1 फरवरी को फांसी होनी है और जन दबाव के चलते दी जा रही है फांसी, अक्षय का दलील थी। दोषियों के पास अब क्या विकल्प है, मुकेश सिंह, अब कोई विकल्प नहीं है, फांसी का फंदा उनका साफ हो चुका है, तो सब विकल्प उनके खत्म। अक्षय ठाकुर की बात करें तो क्यूरेटिव याचिका खारिज हो गई है, दया याचिका अभी बाकी है जो राष्ट्रपति के पास भेजी जा सकती है। विनय शर्मा की बात करें, सुधारात्मक याचिका खारिज, दया याचिका राष्ट्रपति को भेज दी गई है, जिस पर अभी फैसला जो है वो आना है राष्ट्रपति का। पवन गुप्ता की बात करें, सुधारात्मक और दया याचिका दोनों विकल्प बाकी है।